Yesha, welcome to Lehren. Thank you so much. Okay, so क्या कहना चाहेंगी आपके इतने अच्छे फ्रेंड मतलब आपके जो बेस्ट फ्रेंड है शोएब उनकी ट्रेलर लॉन्च हुई है क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बहुत ज़्यादा खुश हूँ और पहली बार मतलब शोएब इज़ माय बेस्ट फ्रेंड बेस्टेस्ट फ्रेंड और एक बहुत ही अच्छा को एक्टर है और इस इंडस्ट्री में ही इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू मी और उसको इस स्टेज पर देखना एंड हिज फर्स्ट एवर हमारा हर पहला एहसास बहुत ही खास और बहुत ही प्यारा होता है तो इसी तरह शोएब के लिए बहुत ही खास एहसास है और इस बड़े दिन पे मुझे उसके साथ डेफिनेटली होना ही चाहिए था सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू गिव ऑल लव एंड सपोर्ट और दीपिका बिग बॉस में है नहीं है यहाँ पर और हम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं सो येस आई विश शोएब ऑल द लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस मूवी. अच्छा जैसे कि आपने दीपिका की बात कही तो हम जानना चाहेंगे आपसे दीपिका की कि वो बिग बॉस में है जिस तरह से खेल रही हैं क्या कहना चाहोगी आप और क्या कितना फॉलो कर रही हो आप? शी इज़ फैबुलस दीपी इज़ व्हाट शी इज़ जो वो रियल लाइफ में है वही वो अंदर है लाइक 100% नो डिफरेंस एट ऑल और मैं दीपिका को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ शोएब से ज़्यादा दीपिका से पटती है मेरी तो मैं कभी कभी शोएब को हैंडल करना होता है कि क्या करता है ये तो दीपी नोज़ द बेस्ट राइट तो अब जब दीपी नहीं है तो शोएब पूरा फैमिली ऐसे नर्वस हो जाता है फ्रेंड्स नर्वस हो जाते हैं कि अरे शोएब को कैसे क्या करे अब वो ऐसे सैड मिस कर रहा है तो वी ऑल गेट वेरी नर्वस दीपिका विदाउट यू ही इज़ वेरी सैड एंड वेरी डल कम बैक सून दो वी वांट यू टू विन तो जीत कर ही वापस आना है और हालांकि बहुत वक्त नहीं मिलता पर छोटे छोटे क्लिप्स और छोटे छोटे वीडियोज़ में देखती रहती हूँ और फॉलो करती रहती हूँ बिग बॉस. अच्छा जितना लोगों ने उनको जाना है शोएब को और आप उनकी फ्रेंड हैं तो शोएब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बहुत कम शब्दों में ही उनका बोलना होता है तो कैसे उनको हैंडल करते हो आप? शोएब एक्सप्रेसिव हाँ मतलब वो अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है तभी भी वो थोड़ा ऐसे इट टेक्स अ वाइल बहुत ज़्यादा मूडी भी है पर दीपिका से ज़्यादा बेहतर ये जवाब आपको कोई नहीं दे सकता कि उसको कैसे हैंडल किया जाए तो यस दीपी इज़ द राइट पर्सन हम तो बस दीपी की दी हुई छोटी छोटी टिप्पणी होती है उसको फॉलो कर लेते हैं. अगर बात करेंगे श्री और दीपिका की क्या लग रहा है लोगों का ऐसा कहना है कि ना वो घर के अंदर जो भाई बहन वाली जो जोड़ी बनी है जस्ट गेम में है आप क्या कहोगे आपको क्या लगता है? दीपी ऐसी एक इंसान है जो जिसके लिए इमोशंस और रिलेशंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और वो कभी भी जब किसी भी पर्सन को बोलती है कि मैंने तुम्हें बहन माना या तुम्हें भाई माना वो ऐसे ही नहीं बोलती उसको हज़ारों उसके रियल में कोई ब्रदर नहीं है मुझे पता है पर वो ऐसा नहीं है कि उसके हज़ारों राखी ब्रदर्स है ऐसे किसी को भी वो भाई नहीं बोलेगी जब उसने बोला है तो दिल से बोला है एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो ये रिश्ता ज़रूर निभाएगी. अच्छा जैसे कि दीपिका की बात हो रही है तो बिग बॉस की बातें तो लोग बहुत ज़्यादा ही करते हैं मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप कह रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा डीपली जानती हैं दोनों को क्योंकि दोनों आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तो दीपिका की कुछ ऐसी बातें बताइए जो लोगों को नहीं पता हो. ऐसी अब तो खैर बिग बॉस हाउस में आपको आपने उसको हर पल छोटी छोटी चीज़ें करते हुए देखा ही है तो आप जान ही गए होंगे तो ऐसी क्या बात है दीपी की जो आप शायद नहीं जानते होंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आई नो हर एज अ लीडर एक ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करके खुश होता है और कभी कभी लोगों को लगता है कि ये क्यों दूसरों के लिए इतना करती है खुद के लिए नहीं करती है पर आई थिंक वो ऐसी इंसान है कि उसकी खुशी दूसरों को खुश करने से होती है तो वो हर हैप्पीनेस लाइज इन सीइंग एवरीबडी एल्स अराउंड हर हैप्पी तो बस यही है दीपिका और आप सब दीपिका को प्यार दीजिए लास्ट वीक वोट फॉर दीपिका. अच्छा अगर आपकी बात करें तो अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिला क्या आप जाएंगी? अरे बाप रे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बिग बॉस का बिग क्वेश्चन ये दीपिका को वापस आने दो फिर मैं उससे एक बार बैठ के बात करती हूँ पूछती हूँ हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट क्योंकि इट्स नॉट ईजी आई नो एंड दीपी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन आई एम स्टिल ग्रोइंग और मुझे वो सारी स्ट्रेंथ अभी आई थिंक आई नीड टू गैदर दो स्ट्रेंथ स्टिल टू बी एबल टू फेस दिस बिग बॉस हाउस तो आई डोंट नो नॉट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक आई एम रेडी. फाइनली आप दीपी को क्योंकि शोएब की आज मूवी की ट्रेलर लॉन्च हुई है तो दीपी को क्या कहना चाहोगे और शोएब को क्या कहना चाहोगे और अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? दीपिका मैं जो कहना चाहती थी मैंने उसको थोड़ी ही देर पहले आई मैसेज्ड हर, क्योंकि वो अभी उसका फ़ोन लेकर नहीं गई है, पर आई एम श्योर जब वो वापस आएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पल है, कुछ दिन है जब हम सब उसको याद करते हैं। और वो खास करके हम कह कर गई थी कि आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं आके सब कुछ पढ़ूंगी, मुझे एक एक दिन वापस से जीना है जो 3 महीने में मिस करने वाली हूँ। तो आई टोल्ड व्हाट आई वांटेड टू टेल हर, और शोएब को आई एम गोइंग टू गिव हिम ऑल द स्ट्रेंथ। और बहुत टाइम से वेट कर रहा था वो इस दिन का, तो आखिरकार दैट वेट इज़ ओवर और दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। I think there are many more better things coming his way, good things coming his way, and I wish him all the love and luck for that. Thank you so much.